सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का मतलब अगर आपने एक लाइन में समझना हो तो इस एग्जांपल से समझें। एग्जांपल ये है कि सपोज करो एक वेव जनरेट कर रहा हूं। अब वेव जनरेशन होती कैसे, जैसे मान लो एक स्ट्रिंग लेते हैं, एक स्ट्रेच स्ट्रिंग, एक रस्सी है। जब मैं एक रस्सी का एक हिस्सा पकड़ूंगा और उसको ध्यान से देखो, आगे देखो प्लीज, ऐसे मूव करवाऊंगा ऊपर नीचे बस, तो कैसी वेव पल्स जनरेट होगी, ऐसी बस, रूल नंबर वन। लेकिन अगर मैं अपने हाथ को ऐसे मूव करवाऊंगा, एक दो तीन चार, ये देखो, देख रहे हो, ये रहा ऊपर भी और नीचे भी, तो वेव पल्स कैसी जनरेट होगी, पूरी की पूरी क्रेस्ट भी जनरेट होगा और ट्रफ भी जनरेट होगा। पहला रूल क्लियर है। दूसरा, हम इसमें डैम्पिंग नहीं लेते, कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, एक बार वेव बन गई तो वेव पल्स मूव करती जाएगी। तो इमेजिन करो, मैंने ऊपर वाला केस लिया, इस ऊपर वाले केस में लेट अस सपोज मैंने अपने हाथ को बस ऊपर और नीचे बस, मतलब एक दो तीन चार किया ही नहीं, बस ऐसे, तो मैंने वेव पल्स जनरेट की। अब क्या होगा, ये वेव पल्स आगे मूव करेगी, वेव्स आगे मूव करती हैं, तो वेव जो है वो आगे मूव करेगी, तो वेव आगे मूव करती जाएगी, क्योंकि मैंने अपने हाथ को एक ही बार ऊपर नीचे किया था तो एक ही वेव पल्स जनरेट हो, बस यही आगे जाती जाएगी जाती जाएगी जाती जाएगी, दूसरी जनरेट नहीं होगी। लेकिन अगर मैं ऐसे करूंगा एक दो एक दो एक दो, तो पीछे से ऐसी ही वेव पल्सेस जनरेट होती जाएंगी कॉन्टिन्यूसली। फर्क समझ में आ रहा है? तो वेव पल्स जनरेट करने का काम किस पे डिपेंड करता है, फिर से सोर्स पे, मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं कैसी जनरेट करूंगा। तो क्लियर है यहां तक? तो इमेजिन करो मैंने एक ही वेव पल्स जनरेट की। अब ये वेव पल्स यहां आएगी तो रास्ते में कोई पी पॉइंट आएगा। अब जब पी पॉइंट में से वेव पल्स जनरेट होगी तो क्या होगा, पी पॉइंट कहां जाएगा बताओ, राइट लेफ्ट ऊपर की नीचे, राइट लेफ्ट ऊपर की नीचे, तो जब ये वेव पल्स पी पॉइंट में आएगी तो पता है क्या होगा, ये पी पॉइंट कहां जाएगा, ऊपर और फिर नीचे, ये भागेगा नहीं। वैसे भी रस्सी है, रस्सी के पार्टिकल कैसे भाग सकते हैं, तो रस्सी की वेव इसमें से निकल जाएगी और पार्टिकल पी कहां जाएगा, ऊपर जाएगा और फिर नीचे यहीं बैठ जाएगा, बस ऊपर नीचे। तो जो सिचुएशन फर्स्ट पार्टिकल की हुई थी वही पी पार्टिकल की हो जाएगी और वेव पल्स इसमें से आगे ट्रेवल करता हुआ आगे चला जाएगा। तो फिर अगर मान लो क्यू पॉइंट है, अब क्यू की भी सेम सिचुएशन हो जाएगी, ऊपर नीचे, फिर आगे एस है, ऊपर नीचे, तो वेव पल्स जाती जाएगी, एनर्जी है वो ट्रेवल हो जाएगी और बाकी पार्टिकल वहीं की वहीं रेस्ट पे आ जाएंगे। माइंड समझ में आ रहा है, कोई डाउट इसमें? अब इमेजिन करो क्या हुआ इसमें, सपोज करो किसी ने वेव पल्स जनरेट की और जिसका एम्पलीट्यूड 10 है, मतलब जो पार्टिकल है वो मैक्सिमम ऊपर, उसकी ऊंचाई कितनी है, 10 है। तो ये एक रस्सी है, ये ट्रेवल करती हुई आ रही थी और एक यहां से एक स्टूडेंट ने जनरेट की 8 की, और ये वेव पल्स राइट आ रही है, ये वेव पल्स लेफ्ट जा रही है और ये पॉइंट क्या है, पी। तो जैसी पी पॉइंट में ये दोनों इकट्ठी, मान लो इकट्ठी आ गई, मान लो मैं वो पी पार्टिकल हूं, इधर से वेव आ गई, इधर से वेव आ गई, अब मैं क्या करूं, ये वाली वेव कह रही है भाई तू 10 ऊपर जा, ये वाली वेव कह रही है तू 8 ऊपर जा, तो मैं कहां जाऊं, 10 ऊपर की 8 ऊपर, एनर्जी दोनों दे रही है मेरे को, दोनों छाल रही है, 18 ऊपर, तो मैं 18 ऊपर जाऊंगा, तो क्या होगा, अब ये सीधा 18 ऊपर हो जाऊंगा, क्यों, क्योंकि ये चीज क्या है, वेव की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एम्पलीट्यूड, एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो ये एक वेक्टर है 10 ऊपर,
ये दूसरा वेक्टर है 8 ऊपर, तो जैसे इकट्ठे पी पार्टिकल पे दोनों वेक्टर मिलेंगे तो दोनों ऊपर 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 के वेक्टर और ऊपर कितना 18 ऊपर, सुपर पोजिशन हो गया वेव्स का, ऐसे बोलते हैं। दोनों वेव्स मिल गई और 18 ऊपर चली गई। इमेजिन करो सपोज एक और वेव जनरेट हुई कि किसी ने 10 राइट और एक वेव 8 नीचे और ये पी पार्टिकल है, दोनों जब एक पॉइंट से क्रॉस करेंगी, अब ये वाला पार्टिकल, ये वाली वेव चाहती है कि मैं 10 ऊपर जाऊं, एम्पलीट्यूड 10 हो, ये चाहती है कि 8 नीचे हो, तो क्या होगा 2 ऊपर, क्योंकि क्योंकि एम्पलीट्यूड बड़ा है, तो फाइनल सिचुएशन क्या होगी 2 ऊपर। मैं कर क्या रहा हूं, वेक्टर्स दोनों की डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं और वेक्टर लॉ लगा रहा हूं, अगर दोनों वेक्टर ऊपर है तो ऐड कर दो, एक ऊपर एक नीचे है तो सबट्रैक्ट कर, इसे बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव। क्लियर है? तो ऐसी मान लो अगर मैं मान लो यहां पर खड़ा हूं, एक वेव यहां से आ रही है, एक यहां से आ रही है, एक यहां से आ रही है, एक यहां से आ रही है और इकट्ठे आ रही है, अब मेरा क्या होगा, मैं सभी वेव का एम्पलीट्यूड वेक्टर सम ले लूंगा और जो भी आंसर होगा मैं वहां पर जाऊंगा। क्लियर है? ऐसा भी हो सकता है एक वेव 10 ऊपर एक वेव 10 नीचे और जब इकट्ठी पास करेंगी तो मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि 10 ऊपर 10 नीचे क्या हो जाएगा, कैंसल, और मैं वहीं का वहीं रहूंगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या? ठीक, तो नेक्स्ट है, तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की डेफिनेशन इसमें लिखी हुई है कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, मतलब आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि चैप्टर का नाम सुपरपोजिशन है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ इसकी एप्लीकेशंस हैं, तो इसकी एप्लीकेशन हम आगे डिस्कस भी करेंगे, लेकिन अभी नहीं, आज नहीं, क्योंकि चैप्टर का नाम सुपरपोजिशन है, तो मैंने आपको बता दिया कि सुपरपोजिशन है क्या। तो ऐसा कुछ मैं यूज करने वाला हूं जिसमें 2 या 3 वेव्स इकट्ठी क्या होंगी, एंटर करेंगी पी पार्टिकल में, और पी पार्टिकल की नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी हम कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट नंबर 1। अब ये जो चैप्टर स्टार्ट है वो एक डेफिनेशन के साथ स्टार्ट है, इसका नाम है वेव फंक्शन। नॉन मेडिकल वालों को पता है कि फंक्शन, वेव फंक्शन या फंक्शन किसे बोलते हैं, मेडिकल को नहीं पता, पर कोई बात नहीं, हम आसान तरीके से स्टडी करेंगे। तो अगर आप वेव फंक्शन की बात करते हो, ये वेव फंक्शन है क्या, देखो एक सिंपल तरीके से समझाता हूं। सपोज करो आपके पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और किसी ने कहा कि एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, मैंने कहा वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स और वाई बराबर है, तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये इसका ग्राफ बनेगा। क्लियर है यहां तक? ऐसी कई इक्वेशंस आपने देखी होंगी, जैसे वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, कुछ भी आपने ग्राफ प्लॉटिंग की होगी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो वाई की वैल्यू है इस फॉर्मूले में वो x के ऊपर डिपेंडेंट है, y x के ऊपर, x चेंज करोगे तो y चेंज हो जाएगा। तो मैथ्स में लिखा जाता है y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो ब्रैकेट में x का मतलब कि जो भी y का फॉर्मूला बनेगा वो x के ऊपर डिपेंडेंट होगा, इसका मतलब ये है। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर है, y इज अ फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या एग्जैक्टली, ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2, मैं चाहता क्या हूं इसके अंदर, मैं ये चाहता हूं कि सपोज करो कि आपने एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ली। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, एक ऐसी वेव जिसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता और जिसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वेवलेंथ चेंज बिल्कुल एज इट इज मूव करती है। जैसे मैंने अपने हाथ से 1, 2, 3, 4 एक वेव पल्स जनरेट की, ये एक वेव पल्स जनरेट होगी, क्योंकि एनर्जी लॉस हम लेते नहीं तो एम्पलीट्यूड का भी चेंज होगा नहीं। तो अगर मैं अपने हाथ से ये वेव जनरेट करता जाऊं तो ये ऐसे ही जनरेट होती हुई आगे चलती जाएगी। तो एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है जो आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब किसी ने यह कहा कि सपोज करो कि यह कोई पी पार्टिकल है, यह कोई पी पार्टिकल है। अब यह पी पार्टिकल की किसी भी इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट वाई है। देखो एक स्नैपशॉट है, यह फोटो है एक वेव की, एक्चुअल में यह थोड़ी ना, एक्चुअल में तो हर वक्त वेव ऊपर नीचे होती जा रही है, पार्टिकल ऊपर नीचे नीचे ऊपर होता जा रहा है। आप स्टेडियम के अंदर जब वेव जनरेट करते हैं तो लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, मीन अपनी पोजीशन पे कॉन्टिन्यूसली मूव करते जाते हैं। उसी तरीके से जब वेव ट्रेवल करती जा रही है तो सारे पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली अपनी मोशन में है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर मूव करते जा रहे हैं। क्लियर है? हाँ, वो अलग बात है कि इसकी पोजीशन कहीं और है, इसकी पोजीशन और है, इस पार्टिकल की 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 और है, तो हर पार्टिकल की वाई की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है।
अब इस फोटो के अंदर जो पार्टिकल यहां पे है उसकी डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या दिखाई दे रही है, अभी मैक्सिमम, पर अगले इंस्टेंट पे देखेंगे तो ये पार्टिकल ऊपर की जगह कहां आता दिखाई देगा, नीचे, तो y कम हो जाएगा। हाँ, अभी इसका y अभी मैक्सिमम नहीं है, पर कुछ देर के बाद ही कभी ना कभी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो देख, फोटो एक स्नैपशॉट है। अब किसी ने कहा कि मेरे को ये बताओ कि p पार्टिकल को ऐसे, p जैसे कई पार्टिकल होंगे रस्सी के ऊपर, तो कोई भी एक पार्टिकल लो किसी भी इंस्टेंट पर, इसका वाई निकालने का फॉर्मूला बताओ क्या होगा। मैंने कहा वाई बनाने का फॉर्मूला, तो हाँ मतलब पी पार्टिकल लिया मैंने, तो पी पार्टिकल की वाई की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बताओ। मैंने कहा यार देख, बात ऐसी है कि वाई का फॉर्मूला तो बता दूं, पर वाई की वैल्यू इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग, स्मॉल टी अगर आप चेंज करते जाओगे, 0 सेकेंड पर वाई डिफरेंट होगा, 1 सेकेंड पर डिफरेंट होगा, 2 सेकेंड पर डिफरेंट होगा, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वाई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो जो वाई का फॉर्मूला बनाऊंगा, जो भी बनाऊंगा, वो टाइम पे डिपेंडेंट होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे वाई के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगी। क्या ये पहला स्टेप क्लियर है? तो वाई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो वाई के फॉर्मूले में टाइम जरूर आएगा। दूसरा, अब प्रॉब्लम यह है कि पी पार्टिकल की पोजिशन तो ये रही, लेकिन क्यू पार्टिकल की पोजिशन तो ये रही, ऐसी एस पार्टिकल की पोजीशन तो ये रही, वाई हर पार्टिकल का एट टाइम टी, सेम टाइम टी पे, किसी का वाई ज्यादा, किसी का वाई कम, किसी का वाई नेगेटिव, आपके सामने ही है, तो वाई चेंज है, यानी कि हर पार्टिकल का वाई डिफर करेगा। तो ये जो मैंने पार्टिकल लिया, ये कितनी दूरी पे लिया, एक्स, लेकिन अगर मैं एक्स चेंज करूंगा तो वाई भी चेंज हो जाएगा, अगर मैं पोजीशन चेंज करूंगा पार्टिकल की तो वाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एक्स की वैल्यू पे डिफरेंट डिफरेंट वाई की वैल्यू आएगी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वाई इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्स? तो वेव के लिए बोला जाता है कि वेव की जो भी इक्वेशन आप बनाएंगे, वेव का जो भी इक्वेशन को फंक्शन बोलते हैं इसमें, तो वेव का जो फंक्शन बनेगा, जो वाई का फॉर्मूला आपको देगा किसी भी इंस्टेंट पर, वो दो वैल्यूज पर डिपेंड करेगा, एक एक्स पे और एक स्मॉल टी पे। समझ में आ रहा है? वेव फंक्शन में जब बोला जाएगा वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, इसका मतलब क्या होगा? तो पहला स्टेप क्लियर है। तो अगर आप वेव फंक्शन के ऊपर चलें, तो वेव फंक्शन, तो वेव फंक्शन में फंक्शंस इन्वॉल्विंग एक्स एंड टी व्हिच मैथमेटिकली गिव्स डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सटेंडेड मूविंग ऑब्जेक्ट सच एज अ वेव पल्स इज कॉल्ड अ वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन कुछ नहीं है, आप सिंपली बोल सकते हो कि जिसमें x और t इन्वॉल्व है, और जो मैथमेटिकली किसकी वैल्यू देता है, y की वैल्यू देता है, वो आपका वेव फंक्शन है, राइट? तो इस टाइप की डेफिनेशन आती नहीं है, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में आना चाहिए, व्हाट इज अ वेव फंक्शन। जो आने वाली चीज है मैं एंड में करवाऊंगा, एंड ऑफ द लेक्चर, ये पूरा सुने, आधा पौना घंटा सुनने में लगेगा, फिर जो आने वाली चीज है उसको मैं बॉक्स में मार्क करवाऊंगा, और मार्क कर लेना। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, वेव फंक्शन है क्या? अब मैं आपको वाई का फॉर्मूला बना के दिखाने वाला हूं। तो वाई के फॉर्मूले के लिए हम क्या करने वाले हैं, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन लेने वाले हैं। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या इक्वेशन होती है? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव वो वेव है जो कॉन्टिन्यूसली आगे की तरफ बढ़ती जाती है, और एम्पलीट्यूड उसका बिल्कुल भी डिक्रीज नहीं होगा, कोई डैम्पिंग नहीं है, फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम रहेगी, एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। और या फिर सिंपल हार्मोनिक वेव, SHW। ये सिंपल हार्मोनिक वेव क्या होती है? देखो, जो सिंपल हार्मोनिक वेव है, ये वो वेव है जिसमें कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिकली मूव करता है। अब ये सिंपल हार्मोनिकली मूव करने का मतलब क्या होता है? देखो, सिंपल हार्मोनिकली मूव करने का मतलब है, इमेजिन करें एक मिनट के लिए फिर से, मेरे हाथ में कोई भी एक पार्टिकल है, एक रस्सी है, रस्सी का एक पार्टिकल है जो कि इलास्टिक इन नेचर है, किसी तरीके से इलास्टिक इन नेचर है। तो क्या किया मैंने? मैंने पहले पार्टिकल को ऊपर किया और छोड़ दिया। अब सोचें, पहला पार्टिकल मैंने जैसे ही ऊपर किया और छोड़ दिया, कुछ इस तरीके से, ये देखो, पहला पार्टिकल मैं ऊपर लेके जाके छोड़ दूं, तो मान लें मटेरियल इलास्टिक इन नेचर है, तो इसके अंदर क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी। तो पार्टिकल को कहां लेके आएगी, इसकी मीन पोजीशन पे, और मैं कहां पे छोड़ के गया, इसे एक्सट्रीम पे। तो पार्टिकल ऊपर लेके गया, पार्टिकल नीचे आएगा, इसमें इनर्शिया भी होगा, जिससे कि क्या होगा, ये पार्टिकल नीचे चला जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस ऊपर लेके आएगी। तो सोचें, ये पार्टिकल पीरियोडिकली अगर मूव करे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक चक्कर पूरा हो गया, हर चक्कर का टाइम इज टी,
तो ये पार्टिकल किस में कहलाएगा, और इसमें एक्सेलेरेशन प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट में नेगेटिव साइन की इक्वेशन भी फॉलो, तो ये पार्टिकल किस में मूव कर रहा है, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये पार्टिकल का पीरियोडिक मोशन मान ले सिंपल हार्मोनिकली है, तो ऐसी वेव का जो अगला पार्टिकल है वो भी सेम बिहेवियर शो करेगा जो पहले वाला करता है, और उसके अगला क्या करेगा, सेम बिहेवियर जो पहले दो करते हैं। तो सारे पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं SHM के अंदर, तो ऐसी वेव जिसमें सारे पार्टिकल ऊपर नीचे मूव करते हैं SHM के अंदर, ऐसी वेव को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक वेव। ठीक, और हम जो स्टडी करते हैं वो सिंपल हार्मोनिक वेव होती है, सारे पार्टिकल किस में मूव करते हैं, इन SHM। ठीक है यहां तक, तो ये सिंपल हार्मोनिक वेव है या प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है, और मैं क्या करने वाला हूं, इसकी इक्वेशन बनाने वाला हूं। इक्वेशन बनाने का मतलब कि कोई भी पार्टिकल ले लूंगा यहां पर जिसकी किसी भी इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, y, एंड y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, लिखा हुआ है x एंड t। तो ये x पोजीशन पे मैंने ये पार्टिकल लिया, और जिसकी किसी भी इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट y है t टाइम पे। तो ये ग्राफ रीड करना आ रहा है, समझ में आ रहा है वेव का y क्या शो कर रहा है। ठीक, अब इसके अंदर एक चीज बताओ कि ये वेव पल जब यहां से यहां आई समय कितना लिया, वेव की वेलोसिटी अगर v है आगे बढ़ने की, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वेव ने x, तो कितने समय में यहां पहुंची, x by v। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो x by v क्या है, टाइम, इतने टाइम में पहुंची। ठीक है यहां तक। अब इसमें आपकी बुक्स ऐसे लिखती हैं, अब किताबी बातें, कि जो वेव का फंक्शन होता है ना y, वो x पे डिपेंडेंट है और वो t पे डिपेंडेंट है, और वो कैसे डिपेंडेंट है, वो ऐसे डिपेंडेंट है, इसका फॉर्मूला लिखती है y, मेडिकल के लोग देख लें, फंक्शन ऑफ का मतलब y किस पे डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, x एंड t, तो ऐसे लिखती है, या तो t में x अपॉन v ऐड होगा या t में x अपॉन v सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि दोनों टाइम है, t भी टाइम है और x अपॉन v भी टाइम है। तो कहते हैं कि जो वेव की इक्वेशन बनेगी उसके अंदर या तो आएगा t माइनस x by v या आएगा t प्लस x by v। अब ये कैसे डिसाइड करते हैं, माइनस होगा प्लस होगा, ये आप नहीं डिसाइड कर सकते, ये वेव बना कौन रहा है, सोर्स, ये मैं बना रहा हूं, और क्योंकि वेव मैं बना रहा हूं तो इसमें क्या फंक्शन बनेगा ये मैं आपको बताऊंगा। तो इन शॉर्ट वेव फंक्शन आपको बनाना नहीं होता, हाँ कैसे बना वो सीख जरूर रहे हैं आप, लेकिन आपसे कोई पूछेगा नहीं है कैसे बना, आपको वेव फंक्शन वो बना के देगा खुद, क्योंकि अलग अलग तरीके की वेव निकलती है अलग अलग सोर्स से, तो आप नहीं बना पाएंगे, आपको वेव की इक्वेशंस बनी बनाई दी जाएंगी। पर एक मिनट के लिए, जो वेव फंक्शन है वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। अब एक ट्रिक देखना, फटाफट से देखने वाली चीज है, क्योंकि हम कौन सी वेव स्टडी कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक वेव, तो सिंपल हार्मोनिक वेव में जो पार्टिकल है वो क्या फॉलो करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉलो करेगा। किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कि जो इक्वेशन होती है, SHM की इक्वेशन होती है, वो बोलो क्या होती है, y is equal to a sin omega t, मानते हो? अब यहां पर वो कह रहा है कि टाइम ओमेगा टी से बात नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि आपकी जो वेव की इक्वेशन है उसमें या तो ये आना चाहिए t माइनस x by v या आना चाहिए t प्लस x by v, अकेला t नहीं आना चाहिए, क्यों, x इसलिए आना चाहिए किस पार्टिकल की इक्वेशन बन रही है वो भी तो मेंशन होना चाहिए। तो इसीलिए जहां आपने SHM की इक्वेशन याद की थी y is equal to a sin omega t, वहां t की जगह रिप्लेस कर दो, या तो t minus x by v या t plus x by, कुछ भी कर दो। तो कहते हैं ठीक है, तो y is equal to a sin omega t नहीं, t की जगह t minus x by v। जैसे अगर आप x को जीरो लेते हो, जीरो का मतलब कौन से पार्टिकल की बात हो रही है, वेव के पहले पार्टिकल की बात हो रही है, जब पहला पार्टिकल की बात होगी क्वेश्चन सेम आएगी, y is equal to a sin omega t। तो आपको टाइम का फंक्शन चेंज कर दिया, यहां पर x डिपेंडेंट कर दिया, यहां से ओमेगा को मल्टीप्लाई किया, जब ओमेगा को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बना, ओमेगा बाई वी, ओमेगा बाई वी को क्या लिखेंगे, के, तो के का फॉर्मूला ओमेगा बाई वी। तो पहली क्वेश्चन जो आपने याद करनी है वेव की, वो ये याद करनी है, बॉक्स में इंपॉर्टेंट मार्क करो, या याद होनी चाहिए कैसे बनी वो आपसे कोई पूछेगा नहीं, ये याद होनी चाहिए कि कोई भी वेव फंक्शन जो हम यूज करेंगे इस चैप्टर में उसकी क्वेश्चन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू a, a फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, k क्या होता है, ओमेगा बाई वी, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, k क्या होता है, ओमेगा अपॉन वी, और आप इसमें ओमेगा को लिख सकते हो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी।
अब एक चीज याद रखो, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। तो यहां से फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी की रेशियो क्या आएगी, 1/लैम्डा। तो आप फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी की रेशियो की जगह क्या पुट करेंगे, 1/लैम्डा। तो के का फॉर्मूला दूसरा क्या बनेगा, 2π/लैम्डा। तो दो फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, पहला के का फॉर्मूला ओमेगा बाय वी और दूसरा के का फॉर्मूला 2π/लैम्डा, जिसको क्या बोलते हैं, वेव का नंबर। क्लियर है यहां तक? तो पहला फॉर्मूला वेव की इक्वेशन क्या है, प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, और वेयर k इज इक्वल टू ओमेगा बाय v या k इज इक्वल टू 2π/लैम्डा। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? ये तो है किताब की बात। मैं आपको एक और वेव की इक्वेशन बनाने का तरीका दिखाता हूं, जो जिसमें मेथड थोड़ा डिफरेंट यूज करता हूं, लेकिन इक्वेशन सेम बनेगी। ये सिर्फ ऑप्शनल है, मैंने इसमें लिखा नहीं, बनाया नहीं, आपकी मर्जी है, आपको जो मेथड पसंद है आप देख लें, पूछा आपसे कोई भी नहीं जाएगा, ठीक? तो पूछिए आपको वेव की क्वेश्चन जाएगी सिर्फ, ठीक? तो मैं कैसे इंटरप्रेट करता हूं इसको ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज देखो, नॉलेज वेव फंक्शन की होनी जरूर चाहिए, पता नहीं यार कौन सी चीज कब पूछ ले वो। तो वैसे एनसीईआरटी लेवल में तो नहीं पूछा जाता है, पर हाँ आइडिया होना चाहिए वेव फंक्शन होता क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म है ये। अब इमेजिन करो मैं वेव की क्वेश्चन को कैसे देखता हूं। सपोज करो आपके पास फिर से एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग में ये पहला पार्टिकल है, पहला पार्टिकल को मैं ऊपर लेके जाता हूं, नीचे लेके आता हूं, नीचे लेके आता हूं, फिर ये ऊपर आ जाता है। तो ये SHM में है, तो बोलो SHM की इक्वेशन क्या बनेगी, ए साइन ओमेगा टी, बात खत्म। तो मैंने पहले पार्टिकल से पूछा कि तू SHM में है, बोलता हाँ SHM में हूं, तो मैंने कहा तेरी इक्वेशन क्या है, कहता ए साइन ओमेगा टी, मैंने कहा ओके डन, ठीक हो गया। मैंने कहा तेरा एक्स नहीं लिया, कहता मेरा एक्स है ही नहीं। मैंने कहा क्यों, क्योंकि मैं ओरिजिन पे हूं और ओरिजिन पे एक्स क्या होता है, जीरो, इसलिए मेरी इक्वेशन बड़ी सिंपल है, ए साइन ओमेगा टी, मेरे को एक्स की जरूरत नहीं है। सही है, बिल्कुल सही है, पहले पार्टिकल इक्वेशन यही बनेगी। मैंने पहले पार्टिकल को कहा कि तू SHM में पीरियोडिक मोशन में है, कहता बिल्कुल। तो मैंने कहा फिर, कहता मैं कंपेयर करता हूं अपने आप को इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और किसी भी इंस्टेंट पर मेरा जो एंगल सेंटर पे बना हुआ है वो कितना बना हुआ है, ओमेगा टी, क्योंकि ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी फेज होता है, हमने SHM में किया था, तो कहता फेज कितना है, ओमेगा टी। ठीक, डन, यहां तक क्लियर है? अब ये वेव इसने स्टार्ट की, पहले पार्टिकल ने, रस्सी के बाकी पार्टिकल भी थे जो अटैच थे, अब ये वेव आगे ट्रेवल करेगी। अब कोई यहां पर ना पी पार्टिकल पड़ा हुआ था, अभी रेस्ट पे है, वो वेट कर रहा है कि कब वेव आएगी, मैं भी ऊपर नीचे SHM मूव करूंगा तो मेरी भी कोई इक्वेशन बनाए, पॉइंट है। तो ये तो बात मानते हो कि ओरिजिन पे पड़ा हुआ पार्टिकल की मोशन पहले स्टार्ट होगी, और जो पार्टिकल जितना दूर होगा, ये कितना दूर है, मान लो ये कितना दूर है, एक्स दूर है, तो अगर ये एक्स दूर है तो ये पार्टिकल की इक्वेशन थोड़ी लेट बनेगी, है ना, ये तो लेट स्टार्ट होगा, मानते हो ये चीज? और जो जितना दूर होगा उतना ही उसकी इक्वेशन लेट बनेगी, ये भी क्लियर है। अब एक चीज बताओ कि मान लो चलो वेव यहां पर आ गई, जब वेव यहां पे आ गई, ये कहता है मैं भी कंपेयर करूंगा अपना मोशन विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पर मैंने कहा यार तू क्या कंपेयर करेगा, तेरा तो ग्राफ ही बड़ा लेट स्टार्ट होगा, ये सर्कल सर्कल तेरे लेट स्टार्ट होंगे, क्योंकि इसका तो कब का स्टार्ट हो चुका, तेरे पास तो वे भी लेट पहुंची, कहते कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इसने ज्यादा एंगल कवर कर लिया होगा, मेरा एंगल अभी इससे पीछे चलेगा। सोचो इसका सर्कल लेट बनना स्टार्ट हुआ ना, तब तक तो वो कई राउंड घुमा चुका, तब तक तो वो आगे पहुंच चुका है ओमेगा टी, तो वो ओमेगा टी उसका फेस अगर ओमेगा टी है तो ये कहते ठीक है मेरा फेस ओमेगा टी से थोड़ा सा पीछे होगा, अगर उसने एंगल मान लो 60 डिग्री कवर कर लिया तो कोई बात नहीं, मैं अभी हो सकता है कुछ टाइम पे जीरो पे होऊंगा, 0 से 20 पे, हो सकता है वो 80 पे पहुंच जाए। तो कहने का मतलब कि उसका एंगल आगे चलेगा, मेरा एंगल थोड़ा पीछे चलेगा, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग ही लेट हुई है। एग्रीड, ये भी पॉइंट ठीक है। तो मैंने पूछा तो एंगल कैसे निकालेगा, वो कहता देखो ऐसे निकालूंगा कि अगर आप एक वेव लेते हो, एक वेव का ये एंगल कितना होता है, 2π, साइन में 2π होता है, एक वेव जनरेट करने का मतलब एंगल 2π, और एक वेव की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, लैम्डा, तो यानी कि 2π कॉरस्पॉन्ड्स टू लैम्डा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर किसी वेव ने डिस्टेंस कवर किया लैम्डा तो एंगल कितना कवर हुआ उसका, 2π, और अगर डिस्टेंस कवर किया 1 तो कितना, 2π/लैम्डा, और यहां पर वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया, एक्स, तो कितना, 2π/लैम्डा इनटू एक्स। अब 2π/लैम्डा तो के था अभी किया था, तो इसकी जगह के पुट कर दो, एंगल क्या आ गया, kx। ये कहता देखो मेरा, मेरे और पहले पार्टिकल में एंगल का डिफरेंस kx पड़ जाएगा, क्योंकि जब तक
ये ओमेगा टी कवर करेगा, तो मेरी जो इक्वेशन बनेगी ए साइन, रेफरेंस पॉइंट ओमेगा टी लेंगे, ओमेगा टी से मेरा एंगल कितना पीछे हो जाएगा के एक्स, वेव की इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो अगर मैं x को जीरो पुट करूं तो ऐसे केस में पहला पार्टिकल आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी। आपकी मर्जी, आपको ऐसे पसंद है या आपको वैसे पसंद है, बस आपने सुना होना चाहिए। आपसे पूछ कोई नहीं रहा कि वेव फंक्शन बना के दिखाओ, कोई नहीं पूछेगा, बट आपको आइडिया समझ में आ रहा है कि कई तरीके हैं वेव फंक्शन बनाने के इसमें। पर आपको पता क्या होना चाहिए ये सुन लो, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि वेव फंक्शन की जो इक्वेशन है वो इसके इक्वल है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। आपको ये पता होना चाहिए कि जब मैं ये इक्वेशन लिखता हूं इसमें हमेशा ये अजम्पशन लेता हूं कि वेव इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पर अगर आपकी वेव ट्रेवल करती है राइट टू लेफ्ट, तो उस केस में लिख लो इक्वेशन बनेगी ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये लिख लो यहां पे, अगर आपकी वेव लेफ्ट टू राइट है तो ये माइनस होगी, राइट टू लेफ्ट में ये टर्म प्लस होगी। क्लियर है यहां तक? अब जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें ना वेव की इक्वेशन दी होती है, तो वेव की इक्वेशन में या तो माइनस होगा या प्लस होगा, आप देखते ही बता दोगे माइनस है तो लेफ्ट टू राइट है, और अगर प्लस है तो राइट टू लेफ्ट है। ये पहचान होनी चाहिए। तो ये लिख लिया आपने, पूछने वाली चीज बताऊंगा, मार्क करवाऊंगा क्या करनी है। क्लियर है यहां तक? इसके बाद वेव की इक्वेशन है क्या, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये वेव की इक्वेशन है, ये वेव की इक्वेशन है। ठीक, अब जो मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूं ये भी आपने याद नहीं करनी, अब ध्यान से स्टेप देख लें। सिर्फ आप इसमें के को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बाई वी लिख लिया, ओमेगा कॉमन आ गया, और यहां से ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी, कैपिटल टी को यहां मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको ये पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी 1 बाय टाइम पीरियड इनटू लैम्डा, वी इनटू टाइम पीरियड की जगह क्या लिख सकते हैं लैम्डा, ये देखो वी टी की जगह क्या पुट कर दिया लैम्डा। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप है, यहां पे 1 बाय लैम्डा निकल नहीं रहा फिर भी कॉमन निकाल दिया, तो यहां पर लैम्डा से मल्टीप्लाई और ये एक्स बच गया। अब लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप में वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू या 1 बाय टाइम पीरियड क्या होता है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा क्या होता है वेलोसिटी। तो आप इसे याद कर लें, मतलब आप वेव की इक्वेशन ये याद करें या ये याद करें, बात एक ही है। तो कई किताबें आपको ये यूज करती हुई दिखेंगी, कई ये यूज करती हुई दिखेंगी, मैं फर्स्ट वाले से ही साइड ओमेरिकल सॉल्व करूंगा, एक मेथड यूज करूंगा, पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये और वो वाली इक्वेशन बात एक ही है। तो आपने दो इक्वेशन याद करनी है, वेव की बात एक ही है, पहली इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरी इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा 2 पाई बाय लैम्डा इनटू vt माइनस x। माइनस माइनस यूज हो रहा है, तो वेव इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक, यहां तक क्लियर है? अब ये जो इक्वेशंस हैं, इनमें जो पहला पार्टिकल है वो कहां से स्टार्ट होता है, मीन पोजीशन से, तो मीन से ऊपर एक्सट्रीम से, मीन से एक्सट्रीम से ऊपर, यही सिचुएशन थी। अब मान लो एक मिनट के लिए कोई कहता है यार मैं मीन से स्टार्ट ही नहीं करता, मैं रस्सी को यहां से स्टार्ट करता हूं, ऐसे गिरता हूं। आप ऐसे गिरते हो, मैं तो गिरता ही ऐसे हूं। अब SHM जैसे पेंडुलम है, कोई पेंडुलम को मीन से स्टार्ट ही नहीं करता, कोई कहां से स्टार्ट करता है, बीच से स्टार्ट करता है। तो ऐसे केस में क्या लिया जाता है, इनिशियल
फेज। तो कई इक्वेशंस में, वेव की इक्वेशन में आप यहाँ पर एल्फा या फाई आई कुछ भी देखेंगे स्पेशल एंगल, इसका मतलब वेव अपनी मीन से नहीं स्टार्ट हुई, कहीं और से स्टार्ट हुई। पर ये आपको लिखने को तो कोई कहेगा नहीं, आपको जो वेव की इक्वेशन उसमें ऑलरेडी गिवन ही होगा, बस आपको पहचान में होना चाहिए कि अगर जिसमें ये, इसको बोलते हैं इनिशियल फेज, जिन इक्वेशन में इनिशियल फेज गिवन होता है वो इक्वेशन में पार्टिकल मीन से कभी भी स्टार्ट नहीं होता, बस ये पता होना चाहिए एसएचएम की तरह। मतलब है जैसे मान लो ये एक मेरा हाथ है, ये रस्सी मीन पे है, पहला पार्टिकल मैं ऐसे स्टार्ट करता हूं, कोई ऐसे स्टार्ट नहीं करता, हाँ एक्स तो गिवन होगा, बाकी तो एवरीथिंग इज सेम, एक्स्ट्रा इसमें अल्फा हो जाएगा। जैसे मान लो मैं एक्सट्रीम से स्टार्ट करता हूं तो अल्फा 90 हो जाएगा, तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज कॉस, तो इक्वेशन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ। पर आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इक्वेशन पूछने वाला तो आपको इक्वेशन खुद बना के ही देगा, तो आपको तो ये जरूरत पड़ेगी नहीं, पर आपको आइडिया होना चाहिए एग्जैक्टली है क्या, इसको बाद में करेंगे, कुछ करना नहीं है। अब ये पॉइंट यहां तक क्लियर है,